strong women create a bond because of like-mindedness, pure heart and fearlessness to love. I think Shamita meri ye jo hai ek khasiyat hai. No guesses for this one. Big Boss OTT. ये मेरी फैमिली ने मुझे बोला था कि OTT में बोला था कि तुझे ना जब कुछ होने वाला होता था या कोई कुछ गलत करा होता था, यू यूज़ टू स्टार्ट बिहेविंग वियर्डली एज इफ यू न्यू. सो आई थिंक क्योंकि मैं दिल से सोचती हूँ और आई समहाउ नो इट. मेरी जो फेवरेट लाइन थी मुंह पे बोल, आई थिंक इवेंचुअली एटलीस्ट मेरे साथ करण ने मुंह पे बोलना शुरू कर दिया था ना. आई रियली अप्रिशिएट दैट. आई थिंक वी बोथ वर गुड स्पॉट विद ईच अदर बाय द एंड ऑफ इट. आई जेन्युइनली डिडंट लाइक हिम इनिशियली एंड आई थिंक लेटर इट चेंज्ड. I genuinely felt the house was very sterile and emotionless and heartless when I walked in. And I think when I walked out, there was a lot more heart, a lot more emotions in the house. Some people were initially scared because, you know, and then they came out of their shells, started talking. So I do feel I changed. जो मैंने पहले बिग बॉस देखा था जाने से पहले, तो मुझे पता था कि उमर जो है वो ऑल हार्ट है, ऑफकोर्स वेरी कॉम्पिटिटिव है, बट फिर भी ऑनेस्ट था उस ग्रुप में, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट था. सो आई थिंक वी बोथ हैड अ स्वीट फ्रेंडशिप एंड वो ग्रो हो ही रही थी और मैं इविक्ट हो गई. भाई एटलीस्ट पहले ये सच दुनिया से छुपा हुआ था, सबको लगता था कि मैं बहुत हार्ड हूँ, बट आई थिंक अब अनफॉर्चुनेटली मेरा ये सॉफ्ट हार्ट पूरी दुनिया के सामने आ चुका है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. बट आई एम ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई थिंक इट्स अ पोटेंट कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट हार्ट एंड स्ट्रॉन्ग. सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट आई जेन्युइनली डोंट केयर एनी मोर. लाइक आई एम सो हैप्पी आई हैव रीच्ड दिस प्लेस कि जहाँ पे लोग मेरे उन्हें क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, आई एक्चुअली डोंट केयर बिकॉज आई फेल्ट द लव दैट आई फील फॉर एवरीवन एंड दे फील फॉर मी. I don't think that Shamita is insecure of Teja and I also feel that मेरा तेजू के साथ जो भी था वो हमेशा upfront था. अगर मुझे उनके बारे में कोई चीज़ें नहीं पसंद थी, मैंने उनको बड़ी हमेशा honestly उन्हें बताया और हमारी बड़ी honest conversations होती थी उस बारे में. Yep, I'm a Scorpio and मेरी intuitions और instincts लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में often right होती हैं and I get that feeling in my stomach and when I know something is going to happen. मेरे पास कोई proof नहीं होता, उसकी कोई analysis नहीं होती, but ज़्यादातर वो सच होती हैं. मैं जानती हूँ कि मेरे फैंस और चाहने वाले चाहते हैं कि मैं वापस जाऊँ, बट मैं एक आज़ाद पंछी हूँ यार. मुझे अपना आसमानों में उड़ने दो, आर्टिस्ट बनने दो, नेहा भसीन वापस दुनिया में बनने दो. मेरी बिग बॉस की जर्नी अच्छी रही लेकिन हो गई, मैं और घुट घुट के नहीं जी सकती और गेम्स नहीं खेल सकती. मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड हमेशा थी और रहेगी हमेशा शेट्टी. उसके अलावा जय वॉज गेटिंग वेरी क्लोज टू मी, सिम्बा वॉज अ स्वीट हार्ट, उमर एंड आई वॉज स्टार्टिंग टू हैव फन, राजीव वॉज माई लिटिल नानी माँ एंड